देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। दर्शकों स्वागत है आपका अब तक न्यूज इंडिया पर, मैं जाबिर शाह। दर्शकों हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर में पुलिस का संख्या बल कम होने की वजह से शहर भर में जराइम बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, वारदातें घटनाएं बढ़ रही है। इसी प्रकार का एक और मामला फिर सामने आया। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर में पुलिस डिपार्टमेंट जितनी सख्ती से पेश आ रहा है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वारदातें सुनने को मिलती ही रहती है। सोए गांव के इंदिरा नगर इलाके में चोरों ने एक घर में करीब 7 लाख की चोरी कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक सोए गांव निवासी और कालिका किराना और दूध डेयरी के संचालक श्याम सिन्हा सोलंके सोमवार को दर्शन यात्रा के लिए गए थे। अपने परिचितों के साथ इस बार उनके बेटे कुणाल सोलंकी और डॉक्टर अतुल सोलंके घर पर अकेले थे। कुणाल पूरे दिन दुकान चलाने के बाद दुकान बंद कर दी और दोनों भाई छत पर बने कमरे में सोने चले जाते हैं। परिवार के यात्रा से लौटने के बाद काफ़ी रात हो जाने के कारण उन्हें रिक्शा मिलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने कुणाल को फ़ोन किया कि वो हमें लेने आ जाए। जब वो उन्हें लेने उठे तो उसने देखा कि बाहर से किसी ने दरवाज़ा लगा दिया है, इसलिए उसने अपने पिता को दोबारा फ़ोन किया और कहा कि बाहर से किसी ने दरवाज़ा लगा दिया है। श्याम सिन्हा सोलंके ने पड़ोसियों को बुलाया और दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। जब उन्होंने जांच की तो दुकान और घर में सामान अस्त व्यस्त था और 2 लाख के गहने और चोरों ने 5 लाख की चोरी कर ली है। शिकायत करने पर कैंप पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पंचनामा किया। चोरों की तलाश के लिए एक विशेष टीम को रवाना किया। दरअसल इंदिरा नगर एक घनी आबादी वाला इलाका है जहां मुख्य रूप से मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं और यहां इस तरह की बड़ी चोरी होना अजीब माना जा रहा है, इसलिए नागरिकों को इन चीज़ों को भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इसलिए नागरिकों से अनुरोध है कि वो पर नकदी या जेवर ना रखें। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जितना संभव हो सके और घर पर सीसीटीवी सिस्टम सक्रिय करने सुविधाजनक हो सकता है। इसी प्रकार की एक और घटना कुछ दिनों पहले भोसले पेट्रोल पंप के पीछे हुई थी, जहां पर भी कुल 7 लाख रुपए की चोरी बताई जा रही थी, यानी कि उसमें कहीं सोना चांदी और 65,000 रुपया कैश चोरी हुआ था। इन दोनों केस की अपडेट अभी तक नहीं मिल पाई है कि पुलिस के हाथ में कौन से सुराग लगे हैं या किन चोरों ने इन चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लगभग एक महीना पहले भोसले पेट्रोल पंप के पीछे घर फोड़ी हो जाती है और फिर एक महीने के बाद सोए गांव में इस तरीके की चोरी की घटना सामने आती है, लेकिन दोनों ही घटनाओं में अभी तक पुलिस के हाथ में कोई भी कामयाबी नहीं लगी है। जबकि इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि एसएस मोबाइल पर रात में चोरी होती है और दूसरे ही दिन पुलिस को कामयाबी हाथ लगती है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों घर फोड़ी के चोरी की वारदात में पुलिस को कामयाबी कब हाथ लगती है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया। किती माल मुद्दा होता त्या पूर्ण डिपार्टमेंट मध्ये काय मत माहिती दिले? 22 तोळे सोना होता, 23 तोळे सोना, 60,000 रुपये कॅश होती। आपली दुकान नाही चायगाव पाट्यावरती, तर रोजचा ते आपला 2 दिवसाचा गेला असा होता आपल्याकडे।